नॉर्मली इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हम लोग वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर इनको 3 साइड से कट कर एक शीट की फॉर्म में ले आया जाए तो इनको बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। ड्रॉवर्स को डस्ट और पानी से बचाने के लिए इनको लाइनिंग के तौर पे यूज करें। अक्सर फ्रीजर की शेल्फ्स में रखी हुई चीजें बर्फ में फंस जाती हैं और जब तक हम फ्रीजर को मुकम्मल डिफ्रॉस्ट ना कर लें वो निकल ही नहीं पाती। इन प्लास्टिक बैग्स को अगर आप फ्रीजर लाइनर्स के तौर पे यूज करें तो रिजल्ट्स बहुत परफेक्ट हैं। आमतौर पे बर्फ के प्याले, गोश्त के पैकेट्स फ्रीजर के साथ जम जाते हैं और इनको निकालने के लिए कभी ड्रायर्स कभी फैंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन प्लास्टिक बैग्स के ऊपर आप जो भी रखेंगे वो शेल्फ के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। हम कितना ही बड़ा कटिंग बोर्ड क्यों ना ले लें, हमें बास्केट्स की जरूरत जरूर पड़ती है जिसमें हम कट हुई भी सब्जियां साथ साथ रखते जाते हैं। लेकिन अगर हम एक साफ प्लास्टिक शीट कटिंग बोर्ड के नीचे बिछा लें तो हमें ढेर सारी बास्केट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ना सिर्फ आपका टाइम और एफर्ट बच जाएगी बल्कि बहुत सारे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।